الذاكر والشكره فوز للشاكر والصلاة والسلام على خاتم النبي رحمة للعالمين أبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اس لیے کہ وہی تمہارا خالق ہے وہی تمہارا مالک ہے وہی تمہارا رازق ہے اور تمہارا مقصد خلقت بھی بجز عبادت کے کچھ نہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ یہ ہماری عبادت کریں مقصد خلقت عبادت ہے اور اس وسیع و عریض کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ابدیت میں ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کی عبدیت میں ہے اور عبد کا کام اس کی تسبیح کرنا ہے کل فی فلک یسبحون آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تسبیح میں مصروف ہے یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ سب اسی کی حمد کر رہے ہیں اسی کی تسبیح کر رہے ہیں خواہ ہم اس تسبیح کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں ہر شے حمد و تسبیح کر کر اپنی ابدیت کا ثبوت دے رہی ہے لیکن جن و انس کو اختیار دینے کے بعد حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً اے صاحبان ایمان اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو کثرت کے ساتھ ذکر کرو عزیزو ذکر الہی بہت ضروری ذکر الہی روح بندگی ذکر الہی واذکر اسم ربک بکرتم واسیلا اپنے رب کے اسم کا ورد کرو اپنے رب کے اسم کا ورد کرو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہر وقت اور نہ صرف ذکر کرو دن میں رات میں بکرتوں و اسیلا ومن اللیل فاسجد لہو رات کے وقت اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ وسبحہ لیلا طویلا پوری پوری رات اسی کی تسبیح کرو یہ ذکر الہی کی منزل واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اپنے رب کے اسم کا ورد کرو اور تبتل کی منزل پر آ جاؤ یعنی سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ ماں سوا اللہ سے رشتہ منقطع کرتی یہ تبتل ہے ماں سوا اللہ سے رشتہ منقطع کر کے اپنے خالق کے ہو جاؤ
अपने मालिक के हो जाओ। ये तबत्तुल की मंजिल है कि जहाँ इंसान माँ से वल्लाह से अपना रिश्ता मुनकता करके अपने खालिक का हो जाए, अपने मालिक का हो जाए। यह है तबत्तुल, यह तबत्तुल, इसी से है बुतूल। इसी से है बुतूल। अब जिसे लिसाने वही बुतूल कहे तो उसके लिए शायर मशरिक क्यों ना कहे, उन अदब परवरदे सब्रो रिजा आसिया गर्दा व लब खुरां सरा। वो सब्रो रिजा की अदब परवरदा चक्की पीसती जाती थी और उसके लबों पे कुरान की आयतें। वाज़कुर रब्बका, अपने रब का जिक्र करो, अपने रब का जिक्र करो। वाज़कुर रब्बका कसीरा, कसरत के साथ जिक्र करो। तो अज़ीज़ाने गिरामी, बंदगाने खुदा को ताकीद की जा रही है कि जिक्र इलाही से गाफिल न होना, जिक्र इलाही से गाफिल न होना, उसका जिक्र करते रहना। और अगर तुमने हमारे जिक्र का हक अदा किया तो मालूम है हम सिला क्या देंगे, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जाकिर बन जाऊंगा। तुम्हारा जिक्र फिर मेरे जिम्मे है, बशर्ते कि तुम मेरा जिक्र करो। और जिसने हमारे जिक्र से गुरेज किया, ऐराज किया, बमन आ रजा अन जिक्री इन्ना लहू मईशतन जनाकन, जिसने हमारे जिक्र से ऐराज किया हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे, रोजगार को तंग कर देंगे। वनहशरहू यौमल कयामत आमा, कयामत के दिन उसे अंधा उठाएंगे। दुनिया में तो आंखें थी, महशर में अंधा उठाएंगे, मईशत को तंग कर देंगे। तो अब किसी की मईशत अगर तंग हो रही हो तो किसी और से गिला न करे, अपने गरीबान में झांक के देखे जिक्र इलाही का हक अदा किया है या नहीं। वो खा फर्द हो या मिल्लत हो, फर्द हो या मिल्लत हो, और जिक्र अगर किया तो कितनी बड़ी दौलत देंगे मालूम है। अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मईन्नल कुलूब, जिक्र इलाही ही से तुम्हें इत्मीनान कल्ब हासिल होगा। इत्मीनान कल्ब को हर इंसान तरस रहा है, आज हर इंसान बेचैन है, आज हर इंसान बेसुकून है, हर इंसान सुकून चाहता है। सुकून न माल से मिल सकता है, न दौलत से मिल सकता है, न इख्तदार से मिल सकता है, सुकून जिक्र इलाही से मिल सकता है। लेकिन अजीजो अब एक और मंजिल है, जिस खालिक ने अपने जिक्र का हुक्म दिया, जिसने अपने जिक्र का हुक्म दिया उसी ने कहा वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, हमारे बंदे इब्राहिम का जिक्र करो, हमारे बंदे इब्राहिम का जिक्र करो। क्यों, किस लिए? इसलिए कि इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, वो हमारा सिद्दीक नबी था। सबब बतलाया, इब्राहिम का जिक्र करो, जिक्र करो हमारे बंदे का, वो इब्राहिम जो था आज नजर नहीं आ रहा,
लेकिन जिक्र रहे उसका, उसका जिक्र रहे। वो नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि जिक्र भी ना हो, नहीं, उसका जिक्र रहे। और इसलिए हम वाजिब कर रहे हैं इब्राहिम का जिक्र, क्यों? इसलिए कि इन्नहु काना सिद्दीक नबिया, वो हमारा सिद्दीक नबी था। हम चाहते हैं कि हमारे तमाम बंदों में सदाकत पैदा हो, सदाकत की मंजिल पर आए, इसलिए इब्राहिम जैसा कामिल नमूना चाहिए। इन्नहु काना सिद्दीक नबिया। वाज़कुर फिल किताब इस्माइल, इस्माइल का जिक्र करो, क्यों? इन्नहु काना सादिकुल वाद, वो हमारा वादे का वफा करने वाला बंदा। तो जहां ईफाए अहद है, जहां वादे की वफा हो, उस बंदे का जिक्र जरूरी। कुरान उसूल दे रहा है, कुरान एक नाम लेता है और एक उसूल देता है। इन्नहु काना सादिकुल वाद, वो मेरा वादे का वफा करने वाला बंदा है। फज़कुर फिल किताब मूसा, मूसा का जिक्र करो, इन्नहु काना मुखलसा, वो हमारा मुखलस बंदा था। काना रसूल नबिया, वो हमारा रसूल भी था, वो हमारा नबी भी था। हम इसलिए जिक्र को वाजिब कर रहे हैं मूसा के, कि हम चाहते हैं कि तुम में इखलास से बंदगी पैदा हो। तो अब जहां जहां इखलास से बंदगी नजर आए, उस बंदे का भी जिक्र जरूरी, उस इंसान का भी जिक्र जरूरी। वाज़कुर फिल किताबी इदरीस, इदरीस का जिक्र करो, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, वो भी हमारा सिद्दीक नबी। हम चाहते हैं उसका जिक्र रहे, इसलिए नहीं कि नबी है, बल्कि सिद्दीक नबी है, सिद्दीक नबी है। हम चाहते हैं कि सदाकत में कोई कामिल नमूना तुम्हारे सामने रहे, ताकि खुद तुम्हारे अंदर सिफत सदाकत पैदा हो सके। तो अब जो सिद्क में कामिल हो, जो सादिकीन की मंजिल पर हो, जिसे नमूना बना के रसूल मुबाहले में लाए, हस्तियों को नमूना बनाकर अल्लाह का रसूल मैदान मुबाहले में लाए, वो सदाकत में यकीनन कामिल हैं। वो मुकाबला किज़्ब का करने आए, वो सिद्क हैं। मुकाबिल पे किज़्ब है, ये सिद्क हैं, ये हर आन सिद्क हैं, हर लम्हा सिद्क हैं, जिंदगी के हर सिनो साल में सिद्क हैं। इनके मुकाबिल पे जो आए, सदाकत जिक्र करो। अजी जाने कराने, अंबिया का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र करो। जिंदगियां कितनी मुख्तसर, अंबिया 1,24,000, परवरदिगार किस किस नबी का जिक्र करें, किस किस रसूल का जिक्र करें। तो कहा हमारा हबीब इस मुश्किल को हल कर देगा, इस मुश्किल को हल कर देगा। और ये कहकर मुश्किल को हल किया कि जो आदम को अपने इल्म में देखना चाहे, जो नूह को अपने फहम में देखना चाहे, जो मूसा को अपनी मुनाजात में देखना चाहे, जो इब्राहिम को अपनी खुल्लत में देखना चाहे, जो ईसा को अपने ज़ुहद में देखना चाहे, फलयंज़ुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। फजाइल का मजमुआ है,
یہ اوصاف حسنہ کا مجموعہ ہے، اسی لیے اس کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو زینت دو، اس کا ذکر بھی عبادت ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، اس کا ذکر کرنا بھی عبادت، اس کی محبت بھی عبادت۔ عزیزو بات آگے بڑھتی، کوئی کہے گا یہ تو انبیاء کی بات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، مریم کا ذکر کرو، مریم تو نبی نہیں ہے، مریم تو رسول نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق مریم نبی نہیں ہے، نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی ماں ہے۔ اگر عیسیٰ کے والدہ کا ذکر واجب ہے تو جو آخری نبی ہے، اس لیے واجب ہے مریم کا۔ ان اللہ اصطفا کے وطہر کے وصطفا کے علاوہ نساء العالمین، اللہ نے اے مریم تجھے مصطفیٰ کیا ہے، تجھے طاہر کیا ہے اور عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ اب اگر علامہ اقبال کہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مریم ایک عیسیٰ کی نسبت سے محترم ہے، ایک نبی کی ماں ہے، فاطمہ زہرا تین نسبتوں سے محترم، تین نسبتیں، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخری، رحمت للعالمین کی نور چشم، وہ جو اولین و آخرین کا امام، ان کے جاؤں در پہ کرے گیتی دمید، روزگارے تازہ آئیں آفری، جس نے مردہ گیتی میں جان ڈال دی اور انسانیت کو قیامت تک جینے کا ایک آئین، ایک دستور عطا کیا۔ دوسری نسبت، بانوے ان تاجدار حلتا، یہ کیسی نسبت ہے؟ بانوے ہم تاجدار حلتا، اس تاجدار حلتا کی زوجہ ہے، تاجدار حلتا، تاجدار حلتا، کیسا تاجدار؟ اس کے سر پہ حلتا کا تاج، بانوے ان تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ has been detected. Murtada, Mushkil Kusha. اور پھر اقبال نے بتلایا کہ کون ہے، بادشاہ کلبہ ایوان او، بادشاہ تھا لیکن اس کا ایوان ایک جھونپڑا تھا، ایک جھونپڑا اس کا ایوان، یک حسامو یک زیرہ سامان او، اس کا کل اثاثہ، اس کا کل سامان، ایک زیرہ ایک تلوار۔ اور تیسری نسبت، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق، حسن کی بھی ماں ہے، حسین کی بھی ماں ہے۔ عزیزو، مریم ہی کا ذکر نہیں ضروری، بلکہ یہ قرآن واذکر عبادہ، ہمارے بندوں کا ذکر کرو، ابراہیم اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، ان بندوں کا ذکر کرو، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، کیوں؟ یہ صاحبان قوت، صاحبان شجاعت اور صاحبان بصیرت بندے تھے۔ تو پتا چلا جہاں جہاں شجاعت ہو، جہاں جہاں بصیرت ہو، ذکر ضروری۔ اسماعیل، بل یسع، اسماعیل کا ذکر کرو،
الیسا کا ذکر کرو, وذلکفل, ذلکفل کا ذکر کرو. ذلکفل کون ہے؟ تفسیروں میں اختلاف, نبی ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک بات پر اتفاق کہ ذلکفل وہ ہے کہ جس نے جب بنو اسرائیل نے انبیاء کے قتل کا بازار گرم کیا تھا تو بہت سے انبیاء کی حفاظت کی تھی, کفالت کی تھی. جو محافظ ہے انبیاء کا, تو جو انبیاء کا محافظ ہو, جو نبوت کا محافظ ہو, اس کا ذکر ضروری. اور پھر بات یہیں رکتی, وکل من الاخیار, ہمارے ہر اس بندے کا ذکر کرو جو خیر پر ہو, جو خیر پر ہو, جو خیر پر ہو. قرآن کہیں نہیں کہتا کہ صاحبان اقتدار کا ذکر کرو, صاحبان حکومت کا ذکر کرو, نہیں. وکل من الاخیار, جو خیر پر ہو, جہاں جہاں خیر ہو اس کا ذکر ضروری. لیکن عزیزوں, یہ قرآن ہے, یہ قرآن آدم کا بھی ذکر کرتا ہے, نوح کا بھی ذکر کرتا ہے, موسیٰ کا بھی ذکر کرتا ہے, ابراہیم کا بھی ذکر کرتا ہے. لیکن جب آدم کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کا ذکر بھی ہوتا ہے, جب نوح کا ذکر کرتا ہے فرزند نوح کا بھی ذکر ہوتا ہے, جب ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے نمرود کا بھی ذکر ہوتا ہے, جب موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے فرعون کا بھی ذکر ہوتا ہے, جب محمد عربی کا ذکر ہوتا ہے ابو لہب اور ابو جہل کا بھی ذکر ہوتا ہے. صرف آدم کے ذکر پر اکتفا نہیں ہوتی, صرف ابراہیم کے ذکر پر اکتفا نہیں ہوتی, صرف موسیٰ کے ذکر پر اکتفا نہیں ہوتی, صرف رسول کے ذکر پر اکتفا نہیں ہوتی. ابو لہب کے نام سے پورا سورہ آتا ہے. جب تک مزاحمتوں کو نہ سمجھا جائے, جب تک مزاحمتوں کو نہ سمجھا جائے ہدایت سمجھ میں نہیں آتا, جب تک رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کو نہ سمجھا جائے, تو پھر سلسلہ ہدایت کا سمجھ میں نہیں آتا. جب تک باطل کو نہ سمجھا جائے حق سمجھ میں نہیں آتا. تو عزیزانِ جان, یہ ہے قرآن, یہ ذکر کی دعوت دے رہا ہے بندوں کو بھی, بندوں کا ذکر بھی, خدا کا ذکر بھی. کچھ بندوں کا ذکر ہی خدا کا ذکر بن جاتا ہے. وہ بندے جو اس کا ذکر کا حق ادا کرتے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنی جان اس کے حوالے کر دیتے ہیں, ایسے بندوں کا ذکر برائے ذکر ضروری نہیں, بلکہ ذکر اس لیے تاکہ فکر کرو. ذکر کا اور فکر کا چولی دامن کا ساتھ ہے. فکر کرو. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ بس تلاوت کر لو, نہیں, فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کریں گے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا, کیا ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کا حفظ بھی ضروری, قرأت بھی ضروری, لیکن اس سے زیادہ ضروری تدبر. فکر کرو. اب علم کیا تفکر فی انفسہم, کیا اپنے نفسوں میں یہ غور نہیں کرتے؟ کیا ہماری آیات میں غور نہیں کرتے؟ کیا ہماری نشانیوں میں فکر نہیں کرتے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, ان ساری ہماری نشانیوں میں, آیتوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لیتی. ذکر اس لیے تاکہ فکر ہو, فکر پروان چڑھے. قرآن فکر کو روکتا نہیں, فکر پر تالے نہیں ڈالتا, بلکہ فکر کو پروان چڑھاتا ہے, تعقل کو پروان چڑھاتا ہے. کیا ہو گیا؟ یہ تعقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یعقلون, کیا یہ عقل سے کام نہیں دیں گے؟
अकल दी किस लिए गई है? अकल ही तो ले आ रहे शराफत है, अकल इसीलिए है ताकि इल्म परवान चढ़े। फिक्र करो, फिक्र करो, अगर फिक्र न किया तो फिर जिक्र बेकार है। फिक्र आगे बढ़े, अफला या तफक्करू अवलम या तफक्करू, चाहिए फिक्र नहीं करेंगे। मा बे साहिब इन जन्नतिन, कि ये नबी मजनून नहीं है, नबी दीवाना नहीं है। नबी के बारे में भी गौर करो, खबरदार तौहीन करने की इजाजत नहीं है। गुस्ताखी ना हो, गुस्ताख को जीने का हक नहीं है। लेकिन नबूवत में भी फिक्र करो, बचपने में भी फिक्र करो। इसीलिए जब ऐलान ने नबूवत किया और दुनिया ने शक किया तो शक करते हो, शक करते हो मेरे दावे पर? सुनो, वो मौजजा पेश करूंगा जो कयामत तक कोई झुटला ना सके। चाहूं तो सूरज को पलटा दूं, चांद के दो टुकड़े कर दूं, लेकिन ये मौजजा तुम देखोगे। मैं वो मौजजा पेश करूंगा जो कयामत तक आने वाली नस्लें देखेंगी। फकत लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबलही अफला ताकिलून, मैंने एक उम्र तुम में गुजारी है, क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे? मैंने एक उम्र गुजारी है, गौर करो, अकल से काम लो। मेरे माजी को देखो, मेरे बचपने को देखो, मेरी नशिस्त बर्खास्त को देखो। आज जो कुछ कह रहा हूं कल तक किसी पर अमल करता रहा हूं या नहीं? मेरे काल में और मेरे अमल में तादाद नहीं होगा, मेरे माजी में मेरे हाल में तादाद नहीं होगा। ये मेयारे हिदायत है कि तादाद ना आने पाए। आज कह रहा हूं कि ये बुत बेकार हैं, खुदा एक है, वहदहु ला शरीक है। बताओ मेरी पेशानी किसी बुत के आगे झुकी है? आज कहता हूं शराब मत पियो, कल मेरे लबों तक जाने शराब आया है। आज कहता हूं झूठ न बोलो, मेरी जबान पर कभी कलमा एक किस्म आया है? अरे तुम ही तो मुझे कल तक सादिक और अमीन कहते रहे हो। कल तक तुम ही तो मुझे सादिक और अमीन कहते रहे हो। मेरी नबूवत का कलमा पढ़ो या ना पढ़ो, मैंने तुम सबसे अपनी सदाकत का कलमा पढ़वा लिया है। मेरी अमानत पर तुमको गवाही देना होगी। अगर मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तो अब कैसे कह सकता हूं, अब कैसे झूठ बोल सकता हूं? अजीज, यह है जिक्र फिक्र की मंजिल, यह है वो मंजिल कि जहां जिक्र जब साले फिक्र के साए में फिक्र परवान चढ़े। फिक्र को आजाद रखा है लेकिन साले फिक्र के ताबे, ताहिर फिक्र के ताबे, ताकि कहीं जबर ना आ सके, कहीं जुल्म ना आ सके, कहीं तशद्दुद ना आ सके, तशद्दुद ना आ सके। जबर नहीं सब्र, जबर नहीं सब्र, रवादारी इत्तेहाद पुरान बकाए बाहमी, जहां फिक्र बेलगाम होगी, जहां फिक्र पर कुफ्र लगाए जाएंगे, जहां अंधी तकलीद होगी वहां जबर होगा। लेकिन जहां फिक्र परवान चढ़ेगी साले फिक्र के ताबे होकर, वहां कोई हुर बनेगा, कोई हबीब बनेगा,
कोई मीसम बनेगा, कोई रशीद बनेगा, अभी जानेगा। अली तमाम फजाइल का मजमुआ, इसलिए अली का जिक्र इबादत, हुसैन तमाम मसाइब का मजमुआ, तमाम मसाइब का मजमुआ। बताओ ऐसी मुसीबतें किसी फर्द बशर ने रूए जमीन पर उठाई? जितने मसाइब इस अकेले इंसान ने बर्दाश्त, क्या तारीख आदमो आलम में कोई और ऐसा मजलूम गुजरा? और मजलूम भी ऐसा जो बाख्तियार हो, मजबूर न हो, बेबस न हो। करबला बेबसी नहीं है, करबला मजबूरी नहीं है, करबला हर कदम नपातुला है। सोच समझ के चले, 28 रजब को चले हैं मदीने, नाना को आखिरी सलाम किया, नाना खुदा हाफिज, नाना खुदा हाफिज, अब जा रहा हूं तेरा दीन बचाने के लिए, नाना खुदा हाफिज। मां की कब्र पर आए, मां को आखिरी सलाम किया, आज बेटा मां से रुखसत हो रहा है। भाई की कब्र पर आए, भाई को सलाम किया, मदीना छोड़ा, मक्के आ गए। मक्के में क्याम है, लेकिन हज का जमाना करीब था कि हज को उम्रे से तब्दील करके चले करबला की तरफ। चला काफिला, दो मुहर्रम को सरजमीन करबला पे पहुंचे, दो मुहर्रम को पहुंचे, और एक मरतबा खुश होके कहा, हां हम पहुंच गए अपनी वादगाह पर, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। यही वो सरजमीन है जिसके बारे में हमसे वादा लिया गया। अब्बास जहां चाहो खेमे लगा दो, फौज अश्किया हायल हो गई कि नहीं, नहर पे हमारे आपके खेमे नहीं लगेंगे, नहर पर आपके खेमे नहीं लगेंगे। जो सुनना था कि अली का लाल जलाल में आ गया, शेर बिफर गया, कब्जे पे हाथ गया, हुसैन ने देखा कि जलाल आ चुका है अब्बास को, बढ़ के गले में बाहें डाल, नहीं मेरे शेर, नहीं नहीं अब्बास, अभी नहीं, हम पहल नहीं करेंगे। अब्बास हटा लो खैर, अब्बास बिफर जाए ना तो फिर बजुज हुसैन के कोई नहीं संभाल सकता। खैमे नहर से हटा लिए, दूसरी जानिब में अजादारो, सातवीं मुहर्रम से पानी बंद हो गया, सातवीं मुहर्रम से पानी बंद है, नबी की औलाद प्यासी है, दरिया सामने मौजे मार रहा है, चरिंद पिए, परिंद पिए, हैवान पिए, काफिर पिए, मुशरिक पिए, यहूदी पिए, दीगर मजाहिब वाले पिए, लेकिन फातिमा के लाल को पानी ना मिले, नबी की औलाद कैसी रहे? ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है? छोटे छोटे बच्चे हाथों में सूखे हुए मशकीजे लिए हुए, अल्लाह अल्लाह पानी पानी पानी, हर भी हयात के लिए जरूरी। लेकिन बच्चे तरस रहे, अजीजों सातवीं का दिन गुजरा, आठवीं का दिन भी गुजर गया, नवी को हुसैन फौजों में घिर गए, हर तरफ से फौज, हुसैन घिर गए। जंग का आगाज हुआ चाहता था, अब्बास को भेजा, अब्बास हो सके एक शब की मोहलत की बात है, मौला मौला क्या इबादतों में कमी है, क्या रियाजतों में कमी है? तो जवाब मिलेगा, नहीं अभी लश्कर मुकम्मल नहीं हुआ,
ये मोहलत मांग नहीं रहा हूँ, मोहलत दे रहा हूँ, मोहलत दे रहा हूँ, ताकि कोई भोर हो तो बिस्तर पे तड़पे। ये आज की रात हुर के लिए तड़पने की रात, वो हुर 61 हिजरी का हो, क्या वो आज का हो, तड़पे बिस्तर पे लेट के सोचे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। रात भर तड़पे, तड़पा है हुर, नींद नहीं आ रही, न मिलती एक शब्द की मोहलत, तो हुर उधर ही रहता, हुर उधर ही रहता। लेकिन हुसैन हुसैन हर हुर के लिए दरवाजे खुले रखे हुए, तड़प रहा है, गुलाम आता है, आका पानी पी ले, पानी पी ले, जाम लेके फेंक देता है, पानी नहीं चाहिए। भाई को हुर के बुलाता है गुलाम, नहीं मालूम क्या बात है, न सो रहा है न पानी पी रहा है, बिस्तर पे तड़प रहा है। भाई आके पूछता है क्या बात है, तू तो बड़ा जरी है। कहा जरी तो हूं, बहादुर तो हूं, लेकिन आज किसी और बात में तड़पा दी। पूछा क्या बात, कहा चल मेरे साथ, दूर तक ले गया। पूछा कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं, कहा कैसी, कहा छोटे छोटे बच्चे, अलताश अलताश पानी पानी प्यास, कैसी आवाज में तड़पा दी। ये नबी की औलाद है, ये फातिमा की औलाद है, का फिर का आप इधर नहीं रह सकते। इस आशूर की शब ने हुर का मुकद्दर बदल दिया, हुर का मुकद्दर बदल दिया। आशूर की शब, इधर मेरा मौला एक एक खैमे का जायजा ले रहा है। कहीं देखा कोई मां 13 बरस के लाल को बिठाए हुए, मेरे लाल तू हसन मुश्तबा की निशानी, मेरे लाल तेरी इज्जत तेरे हाथों में, मेरे लाल तेरे बाबा ने वसीयत यही की थी, बाजू पर तावीज भी बांधा था, तहरीर भी लिखी है, बेटा मैंने आज के दिन के लिए पाला है, सुबह होते ही सबसे पहले तुम जाने। हुसैन आगे बढ़े, देखा देखा बहन दोनों बच्चों को लिए बैठी, ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम्हें शुजात दोनों तरफ से विरसे में मिली है। ओनो मोहम्मद, कोई कोताही ना हो, कोई लफ्जिश ना हो, गैर तुम पे सबकत न ले जाए, और सुनो अगर तुमने कोताही की सुस्ती की तो याद रखना दूध न बख्शू। अल्लाह अकबर, जरा इन खवातीन की जुरत देखे, इन खवातीन का अज़्म देखे, इनके वलवलों को देखे। देखा किसी और खैमे में कोई मां 18 बरस के लाल के लिए बैठे, 18 बरस का कड़ियल जवान, बेटे का सर मां के जानू पर है, चेहरा चौदवी के चांद की तरह से चमक रहा है, और मां कहती है मेरे लाल तुम 18 बरस के कड़ियल जवान, जवान बेटा बूढ़े बाप का सहारा हुआ करता, बूढ़े बाप का सहारा हुआ करता है। अली अकबर, सबसे पहले तुम जाना मैदान में, ताकि तुम्हारी दादी के सामने में सुरखुरू हो सके। मेरा दिल कहता है एक और मां बड़ी बेचैन होगी, एक और मां बड़ी बेचैन होगी, झूले के पास आती होगी और कहती जाती होगी, मेरे लाल हर मां अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है, मेरे लाल हर मां तैयार कर रही है कुर्बानी, तू तो घुटनियों भी नहीं कह सकता, तू तो घुटनियों भी चलने के काबिल नहीं है, और उस मंजिल पर झूला झुलाती जाती होगी और दुआ करती जाती होगी, काश मेरा असगर भी जवान होता, काश मेरा असगर इस कदर बावजन होगी कि जमीन करबला हर खून को बर्दाश्त कर लेगी। अली अकबर का लहू भी बह जाएगा, अब्बास का लहू भी बह जाएगा, खुद इमाम का लहू बहेगा, लेकिन मेरे खून के चंद कतरे नजमी बर्दाश्त कर सकेगी।
ना आसमा बर्दाश्त कर सकेगा। अजीजो आज शब आशूर है, आशूर की शब है, खैमों में बड़ी रौनक है, बड़ी रौनक है। हर माँ अपने लाल को लिए बैठी है, कुर्बानियां तैयार कर रही हैं, कहीं असहाब जमा है, कहीं असहाब हुसैन जमा है, हर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की बात कर रहा है। एक मर्तबा मेरा मौला असहाब के दरमियान आया और एक मर्तबा उनसे खिताब करके कहता है, जाओ मैंने तुम पर से बैत उठा ली, तुम में से जो जाना चाहे चला जाए, कमाला आपको छोड़ कर जाए, आपके कदमों को छोड़ कर जाए। कहा मैं नहीं चाहता कि कोई जबर के तौर पर मेरे साथ शरीक हो, और अगर अगर मेरी वजह से शर्म के वजह से कोई कदम नहीं उठा सकता तो मैं चिराग बुझा रहा हूं, चिराग गुल कर रहा हूं, जो जाना चाहे चला जाए। थोड़ी देर बाद जो चिराग रोशन किया असाब तलवारें निकाले हुए थे, मौला अपनी गर्दनें उड़ा दे, अपनी गर्दनें उड़ा दे, मौला अगर आपको छोड़कर चले जाएंगे तो मैशर के दिन आपके जब को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। हुसैन खुश हो गए, दुआएं दी, दुआएं दी, आओ अब मैं तुमको, आओ मैं तुमको अपना अपना मकाम बतलाऊं। हर एक को उसका मकाम बतलाया। एक मर्तबा 13 बरस का भतीजा पूछता है, चचा क्या मेरा नाम भी फहरिस्त शोहदा में, क्या मेरा नाम भी फहरिस्त शोहदा में है। तो कहा कासिम पहले ये बताओ मौत को कैसा पाते हो, का शहद से ज्यादा शीरी, का कासिम तुम तो तुम, वो बच्चा जो झूले में है, वो 6 महीने का बच्चा जो झूले में है वो भी शहीद होगा। ये सुन के कासिम घबरा गए, चचा क्या अश्किया खैमों में आ जाए, क्या अश्किया खैमों में आ जाए। तो मेरा भाई असगर शहीद हो, क्या नहीं अपने हाथों पे लेके जाओ। अजीजो बस मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, आज की रात कितनी रौनक है करबला में, कितनी रौनक है, लेकिन एक शब और आने वाली है। आज की शब में और आने वाली कल की शब में बड़ा फर्क है। जब आने वाली कल की शब आएगी तो अजीजो न अली अकबर होंगे, न कासिम होंगे, न अब्बास होंगे, न मोहम्मद होंगे, बीबियां मैदानों में निकल आई होंगी, खैमे जल चुके होंगे, कनाते जल चुकी होंगी, बीबियों के सरों से चादरें छिन चुकी होंगी, और अब हबीब न होंगे, मुस्लिम इब्ने औसजा न होंगे, अब्बास न होंगे, हिफाजत करने वाला कोई न होगा, एक अकेली अली की बेटी, नबी की नवासी फातिमा की जाई जो बेखैमा लिए खड़ी होगी। खबरदार, खबरदार, कोई डर ना मेरे बच्चे। Yo me un calorín.